role. So what is your opinion in this decision? See, the decision of the International Court of Justice is very clear in terms that there has been a denial of the convention and the due process has not been followed. Namely, the trial has not been fair. In other words, the accused did not get all the benefits that he was entitled to at law. Namely, he has been asked to be given counsel access and also provide a decent defense. Now, the consequence of this obviously is that the judgment, although they have not set aside the judgment in so many words, but they have said give it an effective review. The effective review only means or can only be done by complying with the provisions of the Vienna Convention. Therefore, the trial will have to be de novo. It will have to be held all over again. And therefore, the judgment automatically stands set aside. And the sentence consequently is also set aside. So it's a great victory for India as such and for the world, I would say, which has recognized that an accused is entitled to a fair trial, which must not only be fair, but must be seen to be fair also. अच्छा देखिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो डिसीजन आई है इस पर दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं एक चीज़ वो ये है कि जो कन्वेंशन है जिनीवा कन्वेंशन के जो रूल्स हैं या प्रोसीजर है जिसके तहत ट्रायल्स होती हैं या होनी चाहिए वो वायलेट हो चुकी है पाकिस्तान ने वो वायलेट कर दी लिहाजा जब वायलेट हो गई है तो ट्रायल जो अब तक हुई वो फेयर नहीं थी और डिसीजन जो अब तक है उसको अब रिव्यू करने के लिए मैंडेट कर दिया है तो रिव्यू का मतलब यही है कि जब प्रोसीजर ही आपका गलत हुआ है तो मेरे हिसाब से तो ये ट्रायल ही डिनोवो होगी बिकॉज जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो ये ड्यू प्रोसेस के नीचे नहीं आएगा तो जो जैसे भी आप रिव्यू करो अगर इफेक्टिव रिव्यू नहीं है तो ये कंप्लायंस ऑफ जजमेंट नहीं होगी तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अब हर हालत में ये ट्रायल दोबारा करनी पड़ेगी और ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा और काउंसल एक्सेस देना पड़ेगा ग्राउंड्स जिस पर वो ट्रायल हो रही है चार्ज वो देना पड़ेगा और फिर पूरा डिफेंस के लिए अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी लिहाजा ये मानवता के सक्सेस स्टोरी है इसका है ये मतलब है कि आप किसी को पकड़ के वैसे फांसी नहीं ले जा सकते ट्रायल है और वर्ल्ड या दुनिया रिकग्नाइज करती है कि जो फेयर ट्रायल है वो सिर्फ फेयर ही नहीं होनी चाहिए वो देखने को भी फेयर होनी चाहिए एक तरीके से भारत की विक्ट्री है और भारत की आवाज़ सुनी गई है भारत की तो विक्ट्री है तो वही मैंने वही कहा था कि ये मानवता की विक्ट्री है और जिस पे भारत ने लीड किया है अब पाकिस्तान से उम्मीद है कि फेयर ट्रायल करेगा बैकफुट पे है देखो पाकिस्तान को फेयर ट्रायल अगर नहीं करेगा तो ये उल्लंघन हो जाएगा जजमेंट का तो उसका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को फेयर ट्रायल करे और उस पर अक्यूज्ड है अक्यूज्ड को जो भी उसके नीचे उसके तहत सज़ा होगी या कन्विक्शन होगी तो वो ठीक है लेकिन ट्रायल तो फेयर होनी चाहिए